हेलो फ्रेंड्स, एनबीडी लाइफस्टाइल में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे खोया पेड़ा बनाना। खोया पेड़ा एक क्लासिक भारतीय मिठाई है जो आम तौर पर त्योहारों के दौरान बनाई जाती है। ये मिठाई देश के लगभग हर राज्य में पसंद की जाती है। आमतौर पर लोग इसे बाहर से खरीदते हैं, उन्हें घर पर इस मिठाई को बनाना थोड़ा कठिन लगता है। अगर आप भी उनमें से एक हैं तो ये रेसिपी आपको जरूर ट्राई करनी चाहिए। आपको खोया पेड़ा बनाने के लिए ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, बड़ी आसानी से कम समय के अंदर आप इसे बना सकते हैं। खोया पेड़ा बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन लें और उसमें थोड़ा घी डालें। अब पैन में 200 ग्राम खोया डालें। गैस की आंच धीमी रखें और इसे लगातार चलाते रहें। अब इसमें आधा कप चीनी डालें और तब तक मिलाएं जब तक ये चीनी पूरी तरीके से घुल न जाए। कुछ देर चलाने के बाद जब खोया मेल्ट हो जाए तो इसमें आधा कप कद्दूकस किया हुआ सूखा नारियल डालें। अब सभी इंग्रेडिएंट्स को एक बार फिर अच्छे से मिला लें। अगर आपका मिक्स ज्यादा गाढ़ा हो गया हो तो इसमें थोड़ा घी डाल दें। पांच से सात मिनट तक इसे पकने दें और फिर गैस को बंद कर दें। इसके बाद इसे ठंडा होने के लिए रूम टेम्परेचर पर रख दें। जब मिक्स ठंडा हो जाए तो थोड़ी थोड़ी मात्रा में हाथों से इसकी बॉल्स बना लें। आप साइज को अपने हिसाब से रख सकते हैं। इस तरीके से बॉल्स बनाकर सर्विंग प्लेट में रख दें। आखिर में कद्दूकस किए हुए सूखे नारियल से गार्निश करें। इस तरह तैयार हो जाएंगे आपके टेस्टी खोया पेड़े। आप इसे डेजर्ट के तौर पर खाने के बाद परोस सकते हैं। आप चाहें तो किसी खास के लिए इसे बनाकर तोहफा भी दे सकते हैं। आप पूजा में भोग लगाने के लिए भी इसे बना सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो लाइक का बटन दबाइए, कमेंट बॉक्स में जाकर हमें अपने व्यूज बताइए और ऐसी ही टेस्टी रेसिपीज के लिए सब्सक्राइब करें एनबीटी।